हेलो दोस्तों, दिस इज मनोज और आप देख रहे हैं माहिर आर्ट्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने आसान तरीके से लिप्स बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, इसकी मॉडलिंग के लिए मैंने वैक्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नेचुरल क्ले या फिर किसी सिंथेटिक क्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4x3 इंच का एक बेस बना लेंगे। इसकी थिकनेस हम अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। हमने इसे मिडिल से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया है और साथ ही साथ होठ की लंबाई को ध्यान में रखते हुए 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने एक गिल्लीनुमा आकृति बना ली है जिसका सेंटर का डायामीटर 1.5 इंच और इसकी लंबाई 3.2 इंच रखी है। दोस्तों, यदि आपको ये शेप बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप दो अलग अलग कोन बना करके उसे आपस में जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगला शेप हमने कुछ इस प्रकार का बनाया हुआ है जिसका सेंटर का डायामीटर 0.75 इंच और इसकी लंबाई 3 इंच है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 इंच लंबी एक कॉइल बना लीजिए और दो कोन बना करके उसे आपस में जोड़ दीजिए। इसे हम साइड में रख देंगे। इसे हम सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से टिल्ट कर लेंगे। ऊपर की तरफ उंगलियों की मदद से स्लोप बना लेंगे। आप चाहें तो किसी फ्लैट टूल्स की भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ धनुषनुमा शेप बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम ऊपर की तरफ सेंटर में हल्का सा डेप्थ बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, उंगलियों से प्रेस करते हुए। आप चाहें तो इसे वायर टूल्स की मदद से आसानी से कट करके भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ फिनिश कर लेंगे। अब निचले होठ को बनाने के लिए इसको सेंटर में रखेंगे और हल्के हाथ से ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे। दोस्तों, इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक ऊपर प्रेस करना है ताकि ऊपर बनाया हुआ आकार डैमेज ना हो। अब इसे सेंटर से मार्क कर लेंगे और दोनों तरफ बराबर दूरी का ध्यान रखते हुए एक कर्व बना लेंगे। इसको टूल्स की मदद से कट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ प्रेस करते हुए हल्का कर्व में स्लोप बना लेंगे। सेंटर में डेप्थ को बनाते हुए मर्ज कर लेंगे और दोनों होठों के बीच में बचे हुए गैप को हल्के हाथ से ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए फिल कर लेना है। किनारे वाली दोनों लाइनों को हाईलाइट कर लेंगे।
और नाइफ की मदद से इस लाइन पर दोनों तरफ डेप्थ बना लेंगे। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कट कर लेंगे ताकि नीचे वाले होठ में राउंडनेस थोड़ी ज़्यादा दिखे। इसे राउंड शेप देते हुए मर्ज कर लेंगे और साइड वाले हिस्से पर दोनों तरफ हल्का वैक्स लगा करके ऊपर उठा लेंगे। किनारे की तरफ टूल्स की मदद से कर्व दे देंगे, इससे चेहरे पर हल्का सा प्रसन्नता का भाव आ जाता है। इस तरीके से एक रफ मॉडल या फिर यूं कहें कि एक अनफिनिश्ड मॉडल तैयार हो गया है। ऊपर यहाँ पर कुछ खाली स्पेस छूट गया है तो इसे भी फिल कर लेंगे। अब इस साइड से देखिए दोस्तों, नीचे का होठ आपको सर्कुलर शेप में बना हुआ दिखाई देगा और वहीं पर ऊपर का होठ ट्रायंगुलर आकार लिए हुए है। तो अब टाइम है इसको फिनिशिंग और डिटेलिंग करने का, तो चलिए इसे फिनिश कर लेते हैं। इसमें नेचुरल लुक देने के लिए दोनों होठों के बीच में हल्की लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। इससे थोड़ा रियलिस्टिक टच दिखाई पड़ने लगता है। दोस्तों, यदि आप बिगनर हैं या फिर होठ बनाने में आपको दिक्कत आती है तो वीडियो में बताए गए तरीके से एक बार मॉडलिंग करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं कि आप पहले से कुछ बेहतर बना पाएंगे। वीडियो में मैंने एक-एक चीज को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि कोई चीज छूट गई हो या फिर कहीं समझने में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, यदि आपको मॉडलिंग का ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। आई थिंक इतनी फिनिशिंग काफ़ी है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।